तो चलो अब इन्हीं पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब देखो इसको, अगर आपको बेसिक, देखो पहले मैं बेसिक करा रहा हूं, जो हमारे वीक बच्चे हैं या मीडियम बच्चे हैं उनको बेसिक, या आपको बोर्ड में लिखना है तो वो बेसिक की जरूरत होती है। तो ये बेसिक वाला मेथड है और बेसिक मेथड में एक ही कराऊंगा, बाकी आपको आगे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं डायरेक्ट करा दूंगा। तो आपको बेसिक समझ लो क्या करते हैं। देखो ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो हमें इसका करना है। तो इसका जब हमें करना है तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बराबर आपने मान लिया यू। ये जो बेसिक मेथड है, मतलब जो आपको किताबों में लिखा हुआ है या जो भी टीचर सभी ही कराते हैं वो इस वाले मेथड से कराते हैं, और जो मैं अब कराऊंगा उस वाला जो इसके बाद जो कराऊंगा उससे आपको डायरेक्ट एक ही लाइन में होगा, वो आपको कोई नहीं कराएगा, ना ही आपको कभी आपने सुना होगा। तो देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री आपने क्या कर लिया यू, जब यू आपको हो गया तो आपने क्या कर लिया डी अपॉन डी एक्स तो साइन, और ये हो गया कॉस, और ये कितना आ गया यू। अब आप देखो कि यहां एक्स है यहां यू है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, जब तक यहां यू नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, हमें यू लाना है। तो यू लाने के लिए हमने क्या करा, जो यहां हम मानते हैं ना उसी से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब क्या करेंगे कि ये इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, क्योंकि टू इंटू थ्री या थ्री इंटू टू लिख दें तो क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा तो चलो आपने क्या करा कि इसको आपने यहां ले लिया, आपने लिख दिया कि डी अपॉन डी यू साइन, और ये आपका हो गया कॉस यू, और ये एक्स हो गया तो आपका हो गया डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, अच्छा आपको यहां से हो गया। तो देखो जब आपने u इधर माना तो यहां से क्या जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आपका कितना आ जाएगा यहां से टू एक्स प्लस टू। तो ये वाली वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई टू एक्स प्लस टू। क्लियर, अब आपका यहां, अब इसको आप मानोगे कॉस यू, कॉस यू को आपने क्या मान लिया v, तो अब आपका कॉस यू को आपने v मान लिया तो आपका कितना हो गया डी अपॉन डी यू और साइन वी और इन टू आपका हो गया टू एक्स प्लस टू। ठीक है जी, अच्छा तो टू एक्स प्लस टू हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहां से टू एक्स प्लस टू, अब ये जो टू एक्स प्लस टू है ये जो v है हमें पता है यहां है v और यहां है u, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी v करना है। तो हमने क्या करा d अपॉन डी यू साइन वी और इंटू टू एक्स प्लस टू, तो ये था ही, आपने क्या करा डीवी से इधर डीवी से इधर, ये इसलिए करा ताकि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ना नहीं, इसलिए काम किया है। तो अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो आपका कितना आ जाएगा यहां से, तो देखो आपका आ जाएगा डी अपॉन डीवी और साइन वी और इन टू, ये आ जाएगा आपका टू एक्स प्लस टू, ये था ही, और इन टू डीवी अपॉन डी यू आपका हो गया। अच्छा अब यहां से क्या हो गया, ये कितना हो गया कॉस वी और ये आपका कितना आ जाएगा टू एक्स प्लस टू और डीवी अपॉन डी यू। देखो यहां वी बराबर कॉस यू है तो डीवी अपॉन डी यू आपका हो गया माइनस साइन, कितना हो गया यू साइन यू, अब यहां कितना जाएगा इन टू माइनस साइन यू, और ये जो माइनस साइन यू है ये कितना आ जाएगा यू आपका कितना था साइन यू और u आपका कितना है ये रहा, तो आपका कितना आ जाएगा और v, देखो cos v, v आपको जो वैल्यू है मैं रख दो, v आपका कितना था cos u और ये आपका 2x प्लस टू ये था ही और माइनस साइन, ये जो डॉट में था साइन और u आपका कितना है 2x एक्स स्क्वायर प्लस इतना। ठीक है जी, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका ऊपर मैं लिख देता हूं यहां से आप देख लेना, और साइन आपका कितना जाएगा ये u है आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो ये अब आप यहां आ गया कॉस और ये आपका हो गया कॉस 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 और u आपका कितना आ जाएगा यहां एक्स स्क्वायर